ये बांग्लादेश का फ्यूचर हो। अल्लाह ने आपको चैलेंज दिया, इस चैलेंज को गया मत करो, पूरा इसको पूरा फिनिश करना ना। ইন্ডোরের নেটে বল করছেন এক তরুণ, আর তার দিকে জহুরির চোখ মুশতাক আহমেদের। বাংলাদেশে সেই পাকিস্তানি এই কিংবদন্তি বলেছিলেন বাংলাদেশের লেগ স্পিনারদের দক্ষ করে তুলতে কাজ করবেন, কথা রেখেছেন মুশতাক আহমেদ। দায়িত্ব নেওয়ার পরপরই লেগ স্পিনারদের ছুনা বানানোর কাজ শুরু করে দিয়েছেন জাতীয় দলের স্পিন বোলিং কোচ। দেশজুড়ে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা লেগ স্পিনারদের মধ্য থেকে বিসিবির গেম ডেভেলপমেন্ট বিভাগ খুঁজে বের করে 16 জন উদীয়মান লেগ স্পিনারকে এবার তাদের নিয়ে মিরপুরের ইনডোরের নেটে বিশেষ সেশন মুশতাকের। गुड बॉल विल नेवर गेट यू विकेट, अच्छे बॉल आपको विकेट नहीं दिलवाते, अच्छे ओवर करोगे तो आपको विकेट मिलती। আল্লাহ তোমাদের মেধা দিয়েছেন, সেই মেধা কাজে লাগাতে হবে। তোমরা বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ, মন থেকে পরিশ্রম করো। মুশতাক এমনটাই বলেছেন বাংলাদেশের তরুণ লেগিদের, আর তার কথা মন্ত্রমুগ্ধের মতো শুনছিলেন 16 জন লেগ স্পিনার। পরিচয় পর্ব শেষে তাদের নেটে বল করানো হয় আলাদাভাবে। এ সময় হাতে ধরে ধরে তরুণদের বিভিন্ন কিছু শিখিয়ে দিচ্ছিলেন স্পিন কোচ, দিচ্ছিলেন পরামর্শ। সেলফ বিলিভের উপর গুরুত্বারোপ করে এ সময় মুশতাক বলেন, আমি রোজ 2 ঘন্টা এক জায়গায় বল করে যেতাম। हम दो दो घंटा बॉलिंग करता था अकेला, स्पॉट लगा के, निशान लगा के दो दो घंटा। এরপর মুশতাক নিজেই ইনডোর নেটে বল করে দেখান, উঠতি ক্রিকেটাররা উৎসুক দৃষ্টিতে সেই বোলিং দেখতে থাকেন। সিয়াম চৌধুরী, বিডি ক্রিকেট টাইম। ये बांग्लादेश का फ्यूचर हो बेटा, मेहनत करना, दिल से मेहनत करना, बड़ों की इज्जत करना, ये आप इज्जत हम्बल रहोगे ना। क्या करना पड़ता है, अपना कॉन्फिडेंस, सेल्फ बिलीव। और सेल्फ बिलीव कब आएगा, जब आप मेहनत करोगे, ये सोच के करोगे। हर रोज हम दो दो घंटा बॉलिंग करता था अकेला, स्पॉट लगा के, निशान लगा के दो दो घंटा, दो घंटे में 20-25, कोई चीट नहीं कर सकता। यू कैन नॉट चीट सक्सेस, इसका मतलब क्या है, बहुत फंडामेंटल चीजें हैं जो आपके लिए बहुत जरूरी है लेकर सिलेक्ट होना, उसको फोकस करना। हाँ, कोई चीज समझना है आपको, आपने मुझे मना कर दिया, क्योंकि हम बंदे का अपनी अपनी सोच है। इसमें सबसे प्यारे बच्चों, जो आज आप बैठे हो यहाँ पे, यू आर द सो लकी, अल्लाह ने आपको चैलेंज दिया, इस चैलेंज को गया मत करो। हमें विकेट लेने के लिए अच्छे बॉल करने की जरूरत नहीं है, हमें अच्छे ओवर्स करने पड़ते हैं। गुड बॉल विल नेवर गेट यू विकेट, अच्छे बॉल आपको विकेट नहीं दिलवाते, अच्छे ओवर करोगे तो आपको विकेट मिलती। तेजी में कहते हैं रिपीटेबल एक्शन, रिपीटेबल एक्शन का मतलब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, आज से आप डिसाइड कर लो हूज़ योर बेस्ट कोच। आप बताओ आपने सबसे अच्छा कोच को नंबर एक, इसलिए ये चीज़ें हैं। तो आदिल रशीद कितना अच्छा स्पिनर है, मेरे का कॉन्फिडेंस काम आ रहे हैं। हम इधर थोड़ी प्रैक्टिस करते हैं और मैच का ज़्यादा सोचते हैं, इधर का ज़्यादा स्ट्रेट लेस इन द गेम। क्या मतलब, वो मशीन हटाओ वहाँ से, वन मोर, वन मोर, स्लो जॉग, स्लो जॉग इन टू लाइन, वो स्लो जॉग। आपको बॉल अच्छा खेलना है, आप सब बॉल करता है, अब ये इसका सब कुछ टैलेंट है इसके अंदर, आप मैच विनर बनोगे इंशाल्लाह। आप क्या करते हो, जब यूं आते हो, लैंड करते हो, आपका ये देखो ये बाल इधर जा रहा है, अब यूं कर लो, अब यहाँ पे लैंड, वन स्टेप लो, इसके पहले दो बॉल बहुत वाइड थे ना, अभी देखना कितने अच्छे हो। ये फ्रंट आर्म को आपने लॉक रखना और ये पिछली आर्म को आपका डबल करके बॉल करना, मैं आपको पकड़ के रखूंगा, देखना आपका बॉल स्पिन भी होगा और लाइन पे भी गिरेगा। चलो पूरा इसको पूरा फिनिश करना ना, चलो चलो। इसको आपने पता क्या करना है, पहले कॉपी
ये ऐसे कर, ठीक है, करोगे ऐसे? चलो पूरा उसका आप लोग चल, नहीं आपने पीछे डांस भी लेके जाना, देख रहे हो? स्पिन भी हुआ, बाउंस भी हुआ, प्लीज के ऊपर रुक जाओ, इसको इस तरफ लेके आना, इस पॉकेट पे करने को कहा ना, वो खत्म करोगे ना, यू विल सी द स्पिन। चलो तुम गया फुल कर, नहीं मैंने छोड़ दिया था, ये याद ध्यान नहीं, कि बात छोड़ नहीं खोला। चलो ये ठीक है, अभी शोल्डर दूसरों की खुल गया है, आप सारे मुस्कुराओ बेचारे, सीख के जा रहे तो कुछ लेके जा रहे हो, ठीक है डन। और इस हिप को ये शोल्डर की तरह जहाँ पे ऑफ टर्म राइट हैंड बैक्शन, ये काम की तरह राइट हैंड बैक्शन की ऑफ टर्म। अब मैंने क्या करना, लेफ्ट की तरफ बाहर क्या होगा, क्रीज पे रुकना है थोड़ी देर, रुक के सबके लिए एक ही बात, ये मैंने लॉक किया, किधर लॉक किया, लॉक किया। अब ये देखना पिछले हाथ, ये पिछली टांग और ये वाली मेरी हिप पे निकलेगा। शेन वॉन को देखते हो, राशिद खान को देखते हो, भाग के आता है क्रीज के ऊपर, आगे रुक जाता है, रुक के फिर ऐसे देखते हैं, फिर ऐसे बॉल करते हैं, उसकी पेस भी कम नहीं होती, उसका घुटली भी उसकी लाइन लेंथ भी अच्छी है। हम क्या करते हैं, सारे मुसलमान क्रिकेटर नमाज पढ़ते हैं,